अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और बहुत पॉजिटिव होंगे। आज की वीडियो स्पेशली ड्राई स्किन वालों के लिए है, तो मैं जो भी प्रोडक्ट्स बताऊंगी वो ड्राई स्किन के लिए एक्सट्रीमली सूटेबल हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप मेरी बाकी वीडियो भी चेक कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो स्किन केयर रूटीन का पहला स्टेप होता है फेस वॉश। तो यहाँ मैं आपको दो रेकमेंडेशंस दूंगी कि ये गार्नियर स्किन नेचुरल्स का फेयरनेस फेस वॉश, इसमें लेमन एसेंस है, ये काफी अच्छा फेस वॉश है क्योंकि नेचुरल ऑयल्स वगैरह को स्ट्रिप ऑफ नहीं करता जो ड्राई स्किन का मेन कंसर्न होता है। इसके अलावा ये क्लेम करते हैं ये स्किन को क्लियर और रेडियंट बनाता है, आप ये बाय कर सकते हैं। और दूसरा है ये पोन्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश, इसमें ग्लिसरीन, नाइसिनामाइड और भी स्किन फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ड्राई स्किन के लिए ये मेरी तरफ से 100% रेकमेंडेशन हैं, आप बाय कर सकते हैं। सो लेट्स मूव अवर सेकंड स्टेप विच इज स्क्रब। स्क्रब हमें वीक में दो बार यूज करना चाहिए। थर्माकॉस का गुआवा ग्लो स्क्रब बहुत अच्छा है, स्किन बहुत ज्यादा बेबी सॉफ्ट हो जाती है, जेंटली स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट कर देता है। ये 450 to 500 की प्राइस में आपको मिल जाएगा। इसके रिजल्ट्स बहुत हाई लेवल के हैं एंड फ्रेग्रेंस इज क्वाइट रिफ्रेशिंग। आपने ये स्क्रब मस्ट ट्राई करना है। तो अब बारी आती है शीट मास्क की, जो आपको वीक में एक बार यूज करना ही चाहिए। शीट मास्क स्किन को अल्टीमेट हाइड्रेशन देता है। आप कोई भी शीट मास्क बाय कर सकते हो जो आपको कन्वीनियंट लगे, बट गार्नियर की ये हाइड्रा बूम शीट मास्क स्पेशली ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए बनाए गए हैं। आपको ये 400 की प्राइस में मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ रीजनेबल ऑप्शंस में 100 to 150 तक भी शीट मास्क मिल जाते हैं। आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप वो बाय कर लें, बट प्रेफरेबली हेलोरोनिक बेस मास्क होने चाहिए। सो अवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज सीरम। सीरम आपको मॉर्निंग एंड नाइट दोनों टाइम यूज करना होता है, स्पेशली ड्राई, क्योंकि इनकी स्किन काफी डिहाइड्रेटेड होती है। डॉक्टर अशील का विटामिन सी सीरम ड्राई स्किन पर काफी अच्छे रिजल्ट्स देता है। इसमें हेलोरोनिक एसिड है जो ड्राई स्किन के लिए बेस्ट इंग्रेडिएंट है। आपकी स्किन केयर रूटीन में हेलोरोनिक एसिड मस्ट इंक्लूड होना चाहिए। तो इस सीरम का टेक्सचर ना तो ज्यादा लिक्विडी है और ना ही ज्यादा थिक है, स्किन में मॉइस्चर को लॉक रखता है और स्किन को सपल स्मूथ बना देता है। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। इसके अलावा आप हेलोरोनिक एसिड बेस्ड सीरम्स यूज कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर ड्राई स्किन इज मॉइस्चराइजर। दर्मीव का ये ऑयली मॉइस्चराइजर इज फॉर्मुलेटेड फॉर ड्राई स्किन कंडीशंस विद SPF 20, लाइट वेट है, इजीली स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है और स्किन को काफी घंटों तक हाइड्रेट रखता है। सेकंड नंबर पर आप निविया का मॉइस्चराइजर बाय कर सकते हैं। ये भी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करने के साथ सॉफ्ट एंड सप्पल बनाता है। सनब्लॉक आपने वो बाय करना है जो सन प्रोटेक्शन के साथ स्किन को मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी दे। लॉरियल का ये सनब्लॉक आपकी स्किन को काफी हद तक मॉइस्चराइज भी करता है। ड्राई स्किन के लिए हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ई है। इसकी कंसिस्टेंसी लोशन की तरह ही है, स्किन में अब्सॉर्ब होकर स्किन को हाइड्रेट रखता है, ऑयली और ग्रीसी फील नहीं होता। डेफिनेटली आपको बाय करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं नाइट क्रीम की। एक अच्छी नाइट क्रीम हमारी स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड होना बहुत जरूरी है। पोन्स की ये एज मिरेकल नाइट क्रीम आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करने के साथ नरिशमेंट भी प्रोवाइड करती है, फाइन लाइंस, रिंकल्स की अपीयरेंस को रिड्यूस करेगी। मेरे चैनल पर इसका एक डिटेल रिव्यू है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप नाइट क्रीम बाय नहीं करना चाहते, देन मेरे पास एक बहुत इजी और इफेक्टिव सॉल्यूशन है जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, स्किन कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन अप भी करेगा। आप रोज ऑयल बाय कर लें, इजिली किसी भी फार्मेसी या फिर पंसारी की शॉप से मिल जाएगा। आप डेली नाइट में फेस वॉश करने के बाद पर इस ऑयल से मसाज कर लें, एक वीक में ही आपको इसका डिफरेंस फील होगा, स्किन टोन इवन हो जाएगी और कभी भी आपको अपनी स्किन रफ और डिहाइड्रेटेड फील नहीं होगी। एंड पर लिप्स की केयर भी कर लेते हैं। लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए पेट्रोलियम जेली से बेस्ट कोई चीज नहीं है। सोने से पहले लिप्स को मॉइस्चराइज कर लें, कभी भी लिप्स ड्राई नहीं होंगे, हमेशा सॉफ्ट ही रहेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।